नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। बलियाकांड में आरोपी के पक्ष में खड़े होने वाले बीजेपी विधायक से जेपी नड्डा नाराज, जांच से दूर रहने की हिदायत। असम मिजोरम बॉर्डर पे हिंसक झड़प के बाद तनाव, केंद्र ने बुलाई बैठक। इमरती देवी पर कमलनाथ का आपत्तिजनक कमेंट। सिंधिया बोले, सामने आई महिलाओं दलित के लिए कांग्रेस की सोच। सरकार की कमेटी का दावा, फरवरी में कोरोना खत्म हो जाएगा। 24 घंटे में 56,000 केस आए, 54 दिन का दूसरा सबसे कम आंकड़ा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नेवी के स्टील्स डिस्ट्रॉयर जहाज से फायर की गई, टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। नोएडा आज से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना आरटीओ में नो एंट्री। सिंधिया की जनसभा में आए बुजुर्ग किसान की मौत, कांग्रेस ने बोला हमला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। सोनिया गांधी ने कोविड-19 महामारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति और दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार से निपटने के लिए 3 कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां की घोषणा करते हुए पार्टी ने सोमवार से निर्वाचित क्षेत्रवार दावेदारों के आवेदन जमा करना शुरू कर दिया है। आवेदन अगले साल 26 जनवरी तक जमा किए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से चुनौती दी है। तेजस्वी ने कहा है कि वह किसी भी अपने विकास काम को चुनाव और उनके साथ डिबेट करें। बलिया के दुर्जनपुर गांव में एक हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बता दें, धीरेन्द्र सिंह को एसटीएफ ने रविवार को लखनऊ के जैनेश्वर मिश्र पार्क के पास गिरफ्तार किया था। भारत की कुल जनसंख्या में अब तक हो गई है 9.5 करोड़ से अधिक कोरोना जांच। आज सुबह लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई। हालांकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा कल यानी 20 अक्टूबर से शुरू होगी। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी की पहली जनसभा कैमूर में दोपहर के 12 बजे होगी। जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी की एक दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वायनाड के 3 दिवसीय दौर पर जाएंगे राहुल गांधी, करेंगे कोरोना की स्थिति की समीक्षा। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने कहा, पीएम मोदी के साथ मेरे पिता के काफी शक्तिशाली रिश्ते, बाइडेन को बताया भारत विरोधी। पेट्रोल और डीजल के दामों में सोमवार को लगातार 17वें रोज भी कई घटबढ़ नहीं हुए। डीजल के दाम में अंतिम बार कटौती 2 अक्टूबर को की गई थी, जबकि पेट्रोल की कीमत पिछले 27 दिन से स्थिर है। पेट्रोल की कीमत में आखिरी बार 22 सितंबर को 7 से 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई। चिराग ने नीतीश पर फिर बोला हमला, कहा जेडीयू को दिया एक एक वोट बिहार को बर्बाद करेगा। चीन की अर्थव्यवस्था ने सितंबर से समाप्त तिमाही में इससे पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव में उभरती दिख रही है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। गदर, घायल और बॉर्डर जैसी फिल्मों में अपनी शानदार किरदार के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने वाले सनी पर राजनीति में कदम रख चुके हैं। 2019 में पंजाब के गुरदासपुर में सांसद बने एक्टर राजनीति में काफी लोकप्रिय है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए के भारत न्यूज में।